बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच। झटपट बनने वाली रेसिपी है। इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, ऑरिगेनो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मायोनीज, केचप, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, वेजीज में पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ककड़ी, हरी धनिया, अनियन। चिकन हम 250 ग्राम ले लेंगे जो बोनलेस रहे। पे हम चिकन की प्रिपरेशन करेंगे। एक हांडी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन हम हाफ टेबल स्पून के इतना सॉल्ट ऐड करेंगे। जब पानी में बॉयल आने लगे हम चिकन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का हम एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि हल्का दरदरा पेस्ट रहना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम काली मिर्च क्रशर्स की मदद से 1 टेबल स्पून क्रश करके डाल देंगे। सबको हम अच्छी तरह से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप एक बार लिड हटा के देखिए कि पानी ऑब्जर्व अगर हो गया है और चिकन थोड़ा सा गल गया है तो आप उसको उतार लीजिए। स्पून की मदद से आप इसे हल्का हल्का दबा लीजिए। और मैंने इसे मिक्सर ग्राइंड में एक बार मिक्सर को घुमा लिया था। आप अगर आपको हाथ से तोड़ना है तो आप हाथ से कर सकते हैं, बट मिक्सर ग्राइंड में अगर एक बार आप घुमा लेंगे तो ईजी हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर हम एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हमें मिक्स करने में ईजी हो जाए। बाउल में हम चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद जितने भी वेजीज हैं हम एक एक करके सब वेजीज ऐड करेंगे, जैसे कि कैबेज, सिकम, ककुम्बर, कोरिएंडर लीफ, अनियन। मेरा मेजरमेंट था, मैंने एक एक कप के हिसाब से सारे वेजीज इक्वल लिए थे। आप भी जो भी वेजीज लेंगे, 4 या 5 या जितने भी वेजीज आपको ऐड करने, आप इक्वल ही लेना सारे वेजीज को। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज ऐड किया है, 4 टेबल स्पून केचप ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि चिकन में भी हमने पहले सॉल्ट यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग हम ऑरिगेनो लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन विथ मल्टी सीड्स वाला ब्रेड यूज़ किया है। आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड जो सादा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो वाइट वाला ब्रेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बटर लेंगे हम और उसको अच्छी तरह से ब्रेड के दोनों तरफ लगा देंगे। स्टफिंग भरने के बाद हम दोनों ब्रेड को एक दूसरे पर लगा कर अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग निकले ना। थोड़ा सा हाथों से आप प्रेस कर दीजिएगा, हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टफिंग इधर उधर निकले ना। अब हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ग्रिलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला है तो हम दोनों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे बटर से। हम इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। आप इसे ओपन करके चेक करते रहना, कहीं ये जल ना जाए। मिनिमम 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। आप इसको साइड बाय साइड चेक करते रहना, जैसा कि आप देख रहे हैं सेम इसी सिचुएशन पे आप इसे निकाल लीजिए।
सैंडविच हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे केचप के साथ खाया था। इसका जो टेक्सचर था बहुत ही ज़्यादा क्रीमी था, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सज्जो लाइफस्टाइल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।